नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा चंद्रा एक्यू पॉइंट टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप दूध से होने वाली एलर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसका निवारण हम कलर थेरेपी के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं, तो उसके बारे में आइए अब आगे की वीडियो में जानते हैं। दूध से एलर्जी छोटे बच्चों में देखी जाती है, लेकिन ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है और सबके लक्षण अलग अलग नज़र आते हैं, सब में अलग अलग समस्याएं आती हैं। इसमें दूध के अंदर प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन के कारण शरीर पर विपरीत प्रतिक्रिया होने लगती है और उसकी एलर्जी पैदा होने लगती है और इसके कारण इम्यूनिटी सिस्टम इस दूध के प्रोटीन से प्रभावित होने लगता है और ये एलर्जी के रूप में प्रकट होने लगता है। एलर्जी के रूप में किसी को पेट में दर्द होता है, डायरिया हो सकता है और शरीर पर पित्तियां उछल जाती हैं, लाल रंग के धब्बे उभर आते हैं, किसी का जी मिचलाता है या उल्टी आने लगती हैं, या किसी को गले में सूजन हो जाती है और सांस फूलने लगती है या खांसी भी आ सकती है। तो ये दूध पीने के कुछ मिनटों बाद ही इस प्रकार से होने लगता है, या शरीर में या मुंह के चारों तरफ या होठों में खुजली आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, ऐठन आने लगती है या किसी को सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो जाती है, या कुछ लोग घुटन महसूस करने लगते हैं, या कुछ लोगों को या बच्चों को निगलने में परेशानी आने लगती है, कुछ रोगियों को आंखों से पानी आने की शिकायत, नाक से पानी आने लगता है। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दूध एलर्जी से आती है। तो आप इस प्रकार का अगर किसी को रोग है तो वह कलर थेरेपी के माध्यम से दिया जा रहा इलाज कर सकते हैं और इस एलर्जी से बचा जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करें, प्रिवेंशन क्या करें मिल्क एलर्जी से, और ये समस्या बच्चों में जन्म से होती है जो धीरे धीरे कई बार खुद बड़े होकर ठीक हो जाती है और कुछ परिस्थितियों में ये बड़े होने पर भी एलर्जी देखने को आती है। तो इसमें बाहर का जो भी आप खाते हैं उस पे परहेज रखें और उसमें ध्यान रखें कि उसमें दूध से बनी चीज़ें ना हों। दूध से बनी चीज़ें, दूध प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट आदि पदार्थों से बच के रहना पड़ेगा और अपने खाने में से, अपनी डाइट में से दूध से बने पदार्थों को निकालना पड़ेगा, उनको ना लें आप। और इसके अतिरिक्त अपने डॉक्टर से संपर्क करके दूध के रहित खाद्य पदार्थों को आप उनसे सलाह लेकर ले सकते हैं। तो बाहर का खाना आप छोड़ देंगे तो आप इस एलर्जी से भी बच सकते हैं। और जो डाइटिशियन होते हैं या आप किस प्रकार से कौन कौन से फल खा सकते हैं, आप उनकी इच्छा से भी अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं।
और आपको क्या क्या खाना है वो आपको जानकारी दे देंगे। दूध एलर्जी के लिए आप उनसे सलाह लें और वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप इस एलर्जी से दूर रह सकते हैं। और वैसे आप जानते ही हैं हल्दी से भी दूध 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 एलर्जी ठीक होती है, अदरक भी अच्छा होता है, शहद भी अच्छा होता है, लेकिन ये आप अपने डाइटिशियन या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह ले सकते हैं कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए, किस पदार्थ के पदार्थ किस प्रकार के पदार्थ या फल या जूस आप ले सकते हैं। अब हम आगे ये ट्रीटमेंट देखते हैं। इस ट्रीटमेंट के लिए आपको राइट हैंड की स्मॉल फिंगर जो आपको डायग्राम में चित्र में दिखाया जा रहा है उसमें आपको ये कलर दिखाए जा रहे हैं और इसमें ये जीरो वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पर वन नंबर पॉइंट को वायलेट और थ्री नंबर पॉइंट को ग्रीन और फोर नंबर पॉइंट को येलो कलर लगाया गया है। इस कलर के ये बिंदे आप लगा सकते हैं सेंटर में जैसे आपको चित्र में दिखाया गया। यदि इससे किसी को कोई समस्या या विपरीत प्रभाव लगे तो आप इन रंगों को साबुन से हटा दें और थेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो ये कलर थेरेपी के बारे में बहुत आसान सा ट्रीटमेंट हमने बताया, आप इसको करें और यदि आपको लाभ मिलता है तो आप अपने फीडबैक हमारी वीडियो में भेजें, हम उनको अपनी आने वाली वीडियो में शामिल करेंगे जिससे दूसरे भी आपके फीडबैक से लोग इस ट्रीटमेंट को कर सकें। जन सेवा में आप इस वीडियो को ऐसे रोगों से संबंधित लोगों को तक वीडियो पहुंचाएं जिससे वे भी लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सभी वीडियो को देखते रहें और अपने फीडबैक देते रहें। और यदि आप अच्छा थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें आप मास्टर एडवांस डिप्लोमा तक कर सकते हैं। किसी को विशेष जानकारी कोर्स संबंधित चाहिए तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको विस्तार से जानकारी उस बारे में देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।